सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स, बेटे आज मैं आपको ये साइंस की बुक का लेसन, थर्ड लेसन जो है आवर सोलर सिस्टम, इसको रीड करवा रहा हूँ। ठीक है ना, हमारी जो साइंस की बुक है ना, उसका लेसन थर्ड है ये आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल। सोलर सिस्टम होता सौर मंडल, ठीक है ना। इस लेसन में हम ये तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, सोलर सिस्टम, इसको हिंदी में सौर मंडल कहते हैं। फिर क्या है, सन, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड, प्लैनेट्स, जो हमारे ग्रह हैं, प्लैनेट्स, उनके बारे में रीड करेंगे। ठीक है ना, देखो आवर अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है ना, इज ए पार्ट ऑफ द सन फैमिली कॉल्ड द सोलर सिस्टम। हमारी अर्थ, ठीक है ना, एक किसका हिस्सा है, इज ए पार्ट ऑफ द सन फैमिली। सन फैमिली जो सूर्य का परिवार है, सौर परिवार जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसको हम सौर मंडल कहते हैं, उसका एक हिस्सा है। आवर अर्थ जो इज ए पार्ट ऑफ द सन फैमिली कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो सन फैमिली है, जो सौर परिवार है, इस सौर परिवार कहते हैं सन फैमिली को, सूर्य का जो परिवार है इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, इसका एक हिस्सा है कौन, हमारी अर्थ। ठीक है ना, द सन, द प्लैनेट्स, द मून एंड द स्टार्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। देखो सन, सूर्य, प्लैनेट्स ग्रह होते हैं हमारे, ग्रह, ठीक है ना, जैसे अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, उसको प्लैनेट बोलते हैं हिंदी में, उनको ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रह। जैसे हमारी अर्थ भी प्लैनेट है, ये क्या करती है, प्लैनेट ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना, प्लैनेट्स, द मून, चांद एंड स्टार्स, और जो तारे हैं, आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सभी क्या है, क्या क्या, सन, प्लैनेट्स, मून और स्टार्स, ये सब क्या है, अदर पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सौर मंडल के अंग हैं। ठीक है ना, सौर मंडल के भाग हैं। ठीक है, द सोलर सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौर मंडल है, उसको दो पार्ट भागों में बांटा जाता है, एक तो इनर एंड एक आउटर। एक इनर, आंतरिक भाग, इनर होता है अंदर वाला, आंतरिक भाग, एंड एक आउटर, बाहरी भाग। ठीक है ना, द इनर सोलर सिस्टम कंटेंस, जो अंदर का जो सोलर सिस्टम, आंतरिक सोलर सिस्टम है, उसमें एक तो मरकरी होता है, मरकरी, ये हमारे प्लैनेट्स के नाम हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। द ये इनर सोलर सिस्टम है, जो सन के बिल्कुल नज़दीक है, सन के नज़दीक है, आंतरिक सौरमंडल में है, जो ये एक तो मरकरी है, वीनस है, अर्थ एंड मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये, ठीक है ना, इनर सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं, ये इनर सोलर सिस्टम में आते हैं। बाकी जो रह गए, क्या रह गए, द आउटर सोलर सिस्टम कंटेंस जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। क्या क्या, देखो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये क्या आउटर सोलर सिस्टम में होते हैं, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बाकी जो ये चार जो प्लैनेट रह गए, ये आउटर सोलर सिस्टम में, बाहरी सौरमंडल में हैं। ठीक है ना, आगे सन, सन के बारे में रीड करें, इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन क्या है, एक ह्यूज होता है विशाल का है, बहुत ही बड़ी गेंद है ये, किसकी, फायर की। सन क्या है, सन इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर, ये है आग की एक बहुत बड़ी गेंद है। इट गिव्स अस, और सन में क्या देता है, इट गिव होता देना, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये हमें गर्मी और प्रकाश देता है। इट हैज एट प्लैनेट अराउंड इट, इट हैज, और सन के चारों मूव करते हैं कितने प्लैनेट्स, ये देखो ये हमारा सन है, ये सन है हमारा, और इस ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्लैनेट्स के चारों मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। द सन शिफ्ट्स इन द मिडल व्हाइल द प्लैनेट्स ट्रेवल इन सर्कुलर, सर्कुलर होता है गोलाकार, गोलाकार पांच होते रास्ते पर अराउंड इट। सन शिट्स इन द मिडल, सन तो बीच में रहता है, मध्य में है, सन कहाँ पर है, बीच में है, मिडल में है, मध्य में है। वाइल जबकि द प्लैनेट्स जो ग्रह हैं, ये 8 ग्रह जो दिखा रखे हैं, ये क्या करते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं इन सर्कुलर पाथ्स अराउंड इट, इसके चारों ओर गोल गोल ऐसे गोल रास्ते पर घूमते रहते हैं। ठीक है ना, द पाथ्स इन विच प्लैनेट्स ट्रेवल आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और वह रास्ता जिस पे ये मूव करते रहते हैं, जिस पे ये घूमते रहते हैं, सबका अलग अलग रास्ता होता है बेटा, सभी प्लैनेट्स का अलग अलग रास्ता होता है, उस पे वो मूव करते हैं। अगर सबका अलग अलग रास्ता नहीं होता तो ये आपस में टकरा जाते और ब्लास्ट हो जाते अभी तक। ठीक है ना, सब अपने अपने रास्ते पर घूमते रहते हैं, सर्कुलर पाथ पे घूमते रहते हैं, और इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, हिंदी में इसको कक्षा बोलते हैं बेटा, कक्षा। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट पेज पर आगे,
द प्लैनेट्स, अब प्लैनेट्स के बारे में रीड करेंगे। प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स हैं, उनको रीड करें। फर्स्ट क्या, मरकरी। मरकरी इट इज़ द क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट टू द, सबसे नज़दीक प्लैनेट टू द सन, ये सन के सबसे नज़दीक है। क्लोजेस्ट मीन्स सबसे नज़दीक, ठीक है ना। प्लैनेट जो ये मरकरी प्लैनेट है, ये सन के सबसे नज़दीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, और सन के नज़दीक होने के कारण बहुत ही एक्सट्रीमली अत्यधिक या बहुत अधिक क्या ये गर्म है। देखो ये यहाँ पर सबसे पहले मरकरी है, ये सन के बिल्कुल नज़दीक है, तो सारी हीट सन के इसके पास जाती है, तो काफ़ी गर्म है मरकरी, ठीक है ना। आगे फर्स्ट सेकंड आता है, फिर सेकंड वीनस, इट इज़ सेकंड प्लैनेट टू द सन, और यह सन से दूसरे नंबर पर आता है। इट इज़ सेकंड, सेकंड मीन्स दूसरा प्लैनेट है। सन से दूसरे नंबर पर क्या आता है, सन पहले मरकरी और दूसरा सन से आगे बढ़ते हैं, तो पहले मरकरी आता है फिर वीनस आता है, ठीक है। सन के दूसरे नंबर पर सबसे नज़दीक वीनस है। इट इज़ टेरिबल हॉट, ये भी काफ़ी गर्म है, ठीक है ना। इट्स साइज एंड स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्थ, और इसका साइज, साइज होता है आकार, एंड स्ट्रक्चर मीन्स संरचना बनावट, वो लगभग ऑलमोस्ट मीन्स लगभग सिमिलर है। किसके सिमिलर है, किसके समान है, अर्थ के समान। इसका आकार किसका, वीनस का आकार और संरचना बिल्कुल लगभग अर्थ के जैसी है, ठीक है ना। थर्ड है अर्थ, इट इज़ आवर होम प्लैनेट। फिर अर्थ कौन है, अर्थ कौन सी जिसपे हम रहते हैं, ये वो प्लैनेट है। इट इज़ आवर होम, ये हमारा घर है जहाँ पर हम रहते हैं अर्थ पे। हम कहाँ पर रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। अर्थ कौन सा प्लैनेट है, थर्ड प्लैनेट है अर्थ सन से। सन से जैसे आगे बढ़ते हैं, पहले मरकरी आता है फिर वीनस आता है, फिर थर्ड नंबर पर क्या आती है, अर्थ, जिसपे हम रहते हैं। फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स होती ब्रह्मांड, और प्लैनेट लुक्स लाइक ए ब्यूटीफुल बिग ब्लू मार्बल। और जब आप अंतरिक्ष से यूनिवर्स से देखते हैं, तो हमारा जो प्लैनेट है, ये हमारा अर्थ प्लैनेट, ये कैसे दिखाई देता है, लुक्स लाइक, कैसे दिखाई, लाइक मीन्स की तरह, के जैसा, किसके जैसा, ब्यूटीफुल बिग ब्लू मार्बल, एक सुंदर जो कंचा होती है, जैसे नीली कंचा की तरह दिखाई देता है, जैसे एक नीली सी कंचा दिखाई देती है ऐसे, ठीक है। अंतरिक्ष से जब हम अर्थ को देखते हैं, तो हमारी अर्थ एक बड़ी ही सुंदर नीली कंचा की जैसे, मार्बल के जैसे दिखाई देती है, ठीक है ना। इस पर ये नीला रंग दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये पानी है, ठीक है ना। अब हमारी अर्थ पे पानी ज़्यादा है, इसलिए पानी जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी अर्थ पे 71% लगभग 71% वाटर है, ठीक है ना। आगे फिर फोर्थ है मार्स। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, तो मार्स आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट एज इट लुक्स रेड फ्रॉम द यूनिवर्स। इसको जैसे ये ब्लू दिखाई दे रही थी, इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता अर्थ को, क्योंकि ब्लू दिखाई देती है, जबकि मार्स रेड दिखाई देता है, रेड कलर का। ये बिल्कुल देखो रेड कलर है, ये रेड कलर दिखाई दे रहा है ये हमारा, ठीक है ना। मार्स कैसे कलर का, रेड कलर का, ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये अंतरिक्ष में लाल कलर का दिखाई देता है। मार्स हैज़ वाटर आइस, मार्स हैज वाटर आइस। इस पे मार्स पे क्या है, पानी और बर्फ है, ठीक है ना। आगे फिर आते हैं जुपिटर पर। जुपिटर इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है ना। इट इज़ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा, ये प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। इट हैज़ डजन्स ऑफ मून्स, इस पे डजन्स होते हैं, दर्जनों चांद है। इस पे हमारी अर्थ पे जैसे एक ही मून है, हमारी अर्थ पे जैसे एक ही मून है, इस पर दर्जनों चांद है। किस पर, जुपिटर पर। नेक्स्ट पेज पर आ गए बेटा, देखो फिर सैटर्न। क्या सैटर्न, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेनेट है हमारे सौरमंडल का, ठीक है ना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सबसे ज़्यादा सुंदर प्लेनेट है, सबसे ज़्यादा सुंदर ग्रह है हमारे सौर सिस्टम में। इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट, इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स, इसके चारों ना बड़े सुंदर सुंदर रिंग्स हैं इस प्लेनेट में, ये चारों और इसके क्या है, बड़े सुंदर रिंग्स हैं, रिंग्स छल्ले हैं, ठीक है ना। इट हैज़ न्यूमरस मून्स, और इस पर न्यूमरस होते हैं अनगिनत, बहुत सारे चांद है इस पर, तो इट हैज़ न्यूमरस मून, अनगिनत चांद है इसमें, तो ठीक है, बहुत सारे चांद है इस पर सैटर्न पर। आगे यूरेनस, इट इज़ ब्लू ग्रीन कलर, ब्यूटीफुल लार्ज प्लैनेट। इट इज़ ब्लू ग्रीन, नीला और हरे रंग का, ये एक बहुत ही सुंदर ग्रह है, कौन, यूरेनस। यूरेनस इट इज़ ए ब्लू ग्रीन, ये नीले और हरे रंग का एक बहुत ही सुंदर, ठीक है ना, और बड़ा ब्यूटीफुल और बड़ा भी है ये प्लैनेट, सुंदर और बड़ा ग्रह है, ठीक है। यूरेनस क्या है, यूरेनस एक नीले और हरे रंग का
ठीक है ना, बहुत ही सुंदर और बड़ा ग्रह है। यूरेनस इज अबाउट द सेम साइज एज नेपच्यून, और यूरेनस का आकार लगभग नेपच्यून, जो नेपच्यून ये रहा आगे आएगा, इस नेपच्यून के आकार के बराबर है। मीन्स यूरेनस और नेपच्यून का आकार लगभग एक जितना ही है। आगे नंबर 8 पर नेपच्यून है बेटा, ये लास्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, लास्ट प्लेनेट, ठीक है ना। इट इज़ द लास्ट प्लेनेट, ये आखिरी ग्रह है। इट इज़ अबाउट 17 टाइम्स मोर मासिव देन अर्थ, और यह है अर्थ से लगभग 17 गुना बड़ा है, ठीक है ना। इट इज़ अबाउट 17 टाइम्स मोर मासिव देन अर्थ, ये अर्थ से लगभग 16, नहीं बेटा यहाँ पर ये बता रहा है मासिव, मासिव होता वजनी, भारी, ठीक है ना। इट इज़ अबाउट 17 टाइम्स मोर मासिव देन अर्थ, यह अर्थ से, कौन, नेपच्यून, अर्थ से लगभग, अबाउट होता लगभग 17 गुना, 17 टाइम्स मीन 17 गुना मोर मासिव, अधिक भारी है, ठीक है ना। यह ग्रह कौन, नेपच्यून, हमारी पृथ्वी से लगभग 17 गुना अधिक भारी है। इट इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग विंड्स, और इस ग्रह को, इसकी, इस पर जो तेज आंधियां चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, उसके कारण जाना जाता है। इट इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग विंड्स, इस पर ना जो तेज आंधियां चलती हैं नेपच्यून पे, इसके कारण इसको जाना जाता है, ठीक है बेटा। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। एक बार एक काम करेंगे, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है ना, ये बड़े काम की चीज़ है, इनको रीड करेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखो अर्थ, फर्स्ट क्या, अर्थ हैज वन मून, हमारी जो अर्थ है इस पर केवल एक ही चांद है, देखते हैं हम, हमारी अर्थ पे एक ही चांद दिखाई देता है, ठीक है ना। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे जो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है ना। मार्स हैज वाटर आइस, मार्स पे वाटर और आइस है, पानी और बर्फ है मार्स पर। जुपिटर हैज डजन्स ऑफ मून्स, और जो जुपिटर, जो हमारा ये प्लेनेट है जुपिटर, प्लेनेट पर डजन्स मीन्स दर्जनों चांद है, ठीक है ना। सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर, और सन क्या है, सन इज ए ह्यूज, ह्यूज मीन बहुत बड़ा, ठीक है ना, गेंद है, किसकी, फायर की, आग की, जो सन है ये एक आग की गेंद है, बहुत बड़ी गेंद है आग की, ठीक है ना। सन इज ए ह्यूज बॉल, सन एक बहुत बड़ी गेंद है फायर की, आग की, ठीक है बेटा। ये हमारा लेसन हम थर्ड साइंस का रीड कर चुके हैं, ठीक है ना। इसको कई बार देखना, कई बार इस तरह से रीड करना है इसके बाद, ठीक है।